हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो तुलसी का गमला है, इसको मैंने जो मिट्टी की चौक वगैरह थी ना, तो उसको मैंने पानी में डाल दिया था, और फिर उसी से मैंने ये मतलब कि पोत दिया है, मतलब पेंट कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं सावर लेकर रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। और आज है तुलसा माता की पूजा, तो मतलब की शादी, और यहाँ पर खीर बन रही है, और मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। 35 बनती हैं इसमें, और बत्ती मैंने जो बत्ती होती है ना रुई की, वो मैंने बनाकर रख ली है 35, और श्रृंगार का सामान और खीले खिलौने मिठाई ये सारी चीज़ें पूजा में रखी जाती हैं। तो चलिए फिर मैं पूजा आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। चलिए फिर आगे प्रोसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। और शिवान सभी सो रहे हैं, मिस्टी भी सो रही हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ, ये हमारी बन रही है खीर। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से सावर ले लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ। और शिवांश की वजह से बस जल्दी जल्दी काम करने होते हैं मैंने, तो यहाँ पर बस खीर बन गई है मेरी। मैंने थोड़ी सी खीर बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि मैं खीर खाती नहीं हूँ, मुझे बहुत कम पसंद है। बस भोग के लिए बनाई है, और हस्बैंड इतनी खीर खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने खीर मेरी बन गई है, मोस्टली बस थोड़ी सी रह गई है। और यहाँ पर पूड़ी भी बनेंगी, तो पूड़ियाँ बनेंगी 35। तो बस इनको बेलते बेलते और बस सेकते सेकते मैं आधी आधी बस सेकते 10-12 बेल लूँगी, सेक लूँगी, फिर 10-12 बेल लूँगी, फिर सेकूँगी, फिर 10-12 बेल लूँगी, सेकूँगी। तो इसमें 35 बत्तियाँ भी बनती हैं, वो मैंने एक दिन पहले ही बनाकर रख ली थी। तो बस यहाँ पर जल्दी से फटाफट से पूड़ियाँ सेक लेंगे, और पूड़ियाँ सेकने के बाद यहाँ पर और सामान को मैं अच्छे से लगा लूँगी, और लगाने के बाद और तो यही मैं आप लोगों को पूजा दिखाऊंगी। तुलसी की पूजा किस किस के यहाँ होती है मुझे कमेंट करके बताना। तो हमारे यहाँ होती है, तो इसको 1 मंथ हो गया है ये वीडियो डले डले, तो 1 महीने मैंने मतलब कि 1 महीने से ये वीडियो डला हुआ है। तो बस एडिट करने का ना टाइम ही नहीं, टाइम भी मिलता है तो फर्स्ट एडिट करने का मन नहीं होता है, तो एडिट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, पूड़ियाँ सेकते सेकते ये देखिए कितना ढेर लग गया है पूड़ियों का। तो बस ये पूजा के लिए है, मैंने 2 टिफ़िन में करके रख लिए थे पार्टीशन में बांट कर। तो यहाँ पर मैंने सब्जी भी बनाई थी, गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी, और खीर बनी थी, और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ वगैरह मेरी सारी सेक गई हैं। तो बस यहाँ पर मैं मखाने बीन रही हूँ, जो पैकर्मा लगाऊंगी तुलसा माता के गमले के आसपास पैकर्मा लगाऊंगी, उसके लिए मैं मखाने बीन रही हूँ। तो बस यहाँ पर 21 मखाने मैंने बीन कर रख लिए हैं, और खीर में कुछ खीर में डालूंगी, तो उनको मैंने कट करके डाल दिया है, और मैंने थोड़े से काजू डाले थे। तो खीर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो प्रसाद की खीर तो थोड़ी बहुत तो लेनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मैं खीर ले लूँगी, और खीर में डाल दूंगी, और थोड़ी सी इलायची डालूंगी, चीनी डालूंगी, तो इलायची से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए, एंजॉय करिए वीडियो को, और मेरा सपोर्ट करिए। और यहाँ पर मैं म्यूजिक नहीं लगा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ये पूजा का सामान है। तो यहाँ पर मखाने और चुनरी और बत्ती, खील खिलौने और मिठाई और खीर, तो सारा सामान मैंने श्रृंगार का सारा कुछ मैंने प्लेट में लगा कर रख लिया है। तो देखिए, म्यूजिक के साथ लगाती हूँ। I lost yet another, but it doesn't matter. Down one more lover, it doesn't matter. I did what I do best. I'm so broke into parts, feeling restless. Turn off the madness.
यहाँ पर हमारे यहाँ तो यहाँ पर पूजा से पहले हम लोग पैर में महावर लगाते हैं, तो यहाँ पर कलर बोला जाता है। तो यहाँ पर कभी मैं लगाती हूँ ना पंजाब में, तो ये सब लोग अगर कोई भी देखता है ना तो ये कलर क्यों लगाया हुआ है पैर में, तो सबको ना हम लोग बता नहीं सकते कि महावर बोलते हैं इसको। तो हाँ मैं तो कह देती हूँ पूजा से पहले हमारे यहाँ कलर लगाया जाता है पैरों में, तभी हमारे यहाँ पूजा होती है। तो बस यहाँ पर मैं और मेरी मेरी मिष्टी को भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो उसने भी लगा लिया है, थोड़ी सी बिंदी मैंने रख दी है और मैं आ गई हूँ बाहर सारा सामान लेकर के। तो बस यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी और मिष्टी से सामान मंगा रही हूँ, कुछ भूल गई थी, घी की डिब्बी भूल गई थी, तो मैंने कहा मिष्टी घी की डिब्बी ले आओ, तो मिष्टी वो ही लेने गई हैं। तो पूजा मैं कर लेती हूँ और मैं मोबाइल को देख रही थी, मैंने कहा वीडियो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, कभी ऐसा होता है ना तो वीडियो बनता ही नहीं है, भूल जाते हैं हम लोग खोलना और बाद में पता चलता है वीडियो बना ही नहीं, तो बस उसी को मैं देख रही थी। और मेरा दूध भी आ गया था, तो हस्बैंड दूध लेने गए हुए थे, यहाँ से निकले हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से पूजा कर लूँगी, पूजा करने के बाद और फिर आराम से, फिर मैंने ना वीडियो बनाया ही नहीं था क्योंकि सेवांश की वजह से वीडियो बन ही नहीं पाता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना और फिर मिष्टी को भी देखना होता है, बहुत सारे काम भी होते हैं घर के, ऐसा तो है नहीं वीडियो ही बनाना है, एडिट करना है, डालना है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी फटाफट से बोल रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कहीं सेवांश रोने ना लगे, तो बस सेवांश को मिष्टी पकड़े हुए हैं और सेवांश को हिला रही हैं, तब तक मैंने कहा वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और ये तो सो, अब तो इनकी नींद काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, पहले ये छोटे थे तो ये सोते रहते थे, तो ये जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं इनकी नींद भी कम होती जा रही है। और थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए, पूजा एंजॉय करिए। यहाँ पर बस मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, अग्यारी वगैरह लगा रही हूँ, तो बस मिस्त्री भी साथ साथ में, मिस्त्री सारे काम मेरे साथ में करती हैं, अगर वो सामने हैं तो सारे काम करती ही करती हैं, उन्हें बहुत शौक है और लड़कियों को होता ही, लड़कों को इतना नहीं होता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है, साथ में मम्मी के और सारा टाइम मेरे साथ किचन में रहती है, मैं जो करूँगी मेरे साथ 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 काम करेगी, तो उसकी आदत है, किचन में बैठ जाएगी, किचन में काम करती रहेगी, देखती रहेगी। और कभी जब पापा काम करें ना तो पापा से कहती है, पापा आप बहुत स्लो हो, मम्मी बहुत फास्ट काम करती हैं। तो बस यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर ले रही हूँ और पूजा करने के बाद चाय वगैरह पीऊँगी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है तो भूख भी लगने लगी है। और यहाँ पर अग्यारी लगा दी है मैंने, और यहाँ पर जो 35 बत्ती बनाई थी वो उसको भी जलाना था तो उसको भी जला दे रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं तुलसी माता के गमले के आसपास पैकर्मा लगाऊंगी, और यहाँ पर मैं पैकर्मा लगा लेती हूँ, देखिए आप लोग, तो यहाँ पर फटाफट से पैकर्मा लगा लेती हूँ और गाना भी गा रही हूँ, मैं भजन गा रही हूँ एक, तो वो मैंने साइलेंट कर दिया था क्योंकि ना बहुत सारी बाहर से आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया था। और पैकर्मा लगाने के बाद शाम को हम लोगों ने पिज्ज़ा पार्टी की थी, तो पिज्ज़ा पार्टी का थोड़ा सा मैंने क्लिप ऐड कर दिया है इसमें लास्ट में, तो शाम को इन्होंने पिज्ज़ा मंगाया था और हम लोगों ने पिज्ज़ा खाया था, और पिज्ज़ा और एक एक वो पराठा टाइप का आता है उसके अंदर फिलअप होता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी खाया था। और यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई है, और मेरे वीडियो ब्लॉग आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच।